हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ साइंटिस्ट रॉबर्ट सापोल्सकी की बुक व्हाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर, मतलब ज़ेब्रा को अल्सर क्यों नहीं होता। अल्सर हमारे पेट की एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है वो अक्सर हमारे एनजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस से जुड़ी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट सापोल्सकी, जिन्होंने अपना कुछ समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बिताया और कुछ केन्या के जंगलों में, ये अपने बुक में कहते हैं, अगर आप ज़ेब्रा हो तो आप सवाना जंगल के शेरों के मैन्यू लिस्ट में होंगे। तो आखिर जानते हैं ये वो कहना क्या चाह रहे हैं? जब आप एक लॉयन को अपनी तरफ आते देखते हो तो आपको स्ट्रेस होने की ज़रूरत होती है, आप अपने हार्ट को बीट करवाना चाहते हो, आपको ज़रूरत होती है बहुत सारी एनर्जी की सो दैट आप बहुत तेज़ी से रन कर सको। आप अपने पूरे सिस्टम को काम पर लगा देते हो जैसे ही स्ट्रेस सिचुएशन फील करते हो। आपको अपना एंजाइटी लेवल बहुत हाई रखना पड़ता है, आपको अफ्रेड होने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये डर ही आपको बचाने वाला है। ज़ेब्रा जो डेंजर के प्रति अनअवेयर या फिर जागरूक नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि डेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा है, वो अंत में लॉयंस का नाश्ता बनकर उनकी प्लेट में सजे होते हैं। जो अपना एंजाइटी या टेंशन का लेवल हाई रखते हैं वो सर्वाइव करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस अच्छा भी है? तो दोस्तों, ये तो हमें इस स्टोरी के एंड में ही पता चलेगा। अभी तो ये बता दूँ, हमारे पूर्वज अगर डरते नहीं तो आज हम हैं वो होते नहीं। एनीवे, ज़ेब्रा को डरने की ज़रूरत होती है, उनको फटाफट मूव करने की ज़रूरत होती है। कुछ समय के लिए उनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को शट ऑफ करने की ज़रूरत होती है सो दैट उनका हार्ट बीट करे, और कुछ ही मिनट्स में उसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, या तो वो निकल जाएंगे मतलब बच निकलेंगे, या फिर पकड़े और मारे जाएंगे। ये स्ट्रेस कुछ मिनटों के लिए ज़रूरी है, एक बार तो निकल गए तो उन्हें स्ट्रेस को रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉयन गिव अप करके किसी और को नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रहा है और उसके पीछे चला गया है। इसलिए ज़ेब्रा की पहली वरी तो ख़त्म। आपने कभी कभी नेशनल ज्योग्राफी पर देखा होगा, ज़ेब्रा को लॉयन पकड़ लेता है और उसको चीर फाड़ कर अपने चटकारे ले रहा होता है, जबकि उसी समय दूसरे तीन चार ज़ेब्रा खुशी से घास चर रहे होते हैं और देखकर कहते हैं, वो देखो जॉर्ज को शेर खा रहा है। तुम्हें लगता है कितना दुखदाई है, डिस्टर्बिंग है? क्या उन्हें परवाह नहीं है ऐसे कैसे इतने इमोशनलेस हो सकते हैं? ये इसलिए जॉर्ज खाया जा रहा है वो नहीं, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये डेंजर सेंस नहीं कर सकते कि अगला नंबर उनका हो सकता है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेट्स वाई ज़ेब्रा डोंट गेट अल्सर। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। एज ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करने की ताकत है। कल अगर जॉर्ज के साथ हुआ है तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, और पूरी कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा जॉर्ज के साथ कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, कितना लॉयन उसके तरफ आया, और जॉर्ज कितनी देर में उसको सेंस किया या नहीं किया। इस तरह हम पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे कि लॉयन के मेन्यू पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। हम लोग अपने पास्ट को याद रख सकते हैं और फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, मगर ट्विस्ट एंड टर्न यह है, हम अपने स्ट्रेस रिएक्शन को 2 या 3 मिनट्स नहीं रखते, बल्कि ये सिलसिला कुछ दिन, महीनों और यहाँ तक कि सालों साल तक चलता रहता है। आपने सुना होगा, किसी से झगड़ा होने पर कोई बंदा कहता है, अगले जन्म तक याद रखूंगा जो तूने मेरे साथ किया है। तो फ्रेंड्स, डेट्स वाई वी गेट अल्सर, इसलिए हमें अल्सर होता है। तो समझते हैं हम ये स्ट्रेस रिएक्शन को क्यों सस्टेन करते हैं और कितने साल या कितने दिन। हम स्ट्रेस लेवल को सस्टेन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी है थिंक करने की, इमेजिन करने की, डेंजर को सेंस करने की, पास्ट को रिमेम्बर करने की, बट हमारी ये एबिलिटीज हमारी बाउंड्रीज को ओवर स्पिल कर देती है और हम लगातार अपने स्ट्रेस वरी को सस्टेन करते रहते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट की बात नहीं होती, वो दिनों दिन चलते रहते हैं, यहाँ तक कि सालों साल। हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं करते, हम बस नए एंजाइटी, टेंशन क्रिएट करते रहते हैं। हम अपने स्ट्रेस रिएक्शन को दिनों दिन, महीनों महीने, सालों साल मेंटेन करते रहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड अल्सर्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड एंड योर हैबिट्स टू क्रिएट ऑनगोइंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कुछ सोल्यूशन जो मैंने इस बुक से सीखे हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला, अपने माइंड को ट्रेन करना कि वो पुराने थॉट्स जिसमें वरी है या एंजाइटी है वो दोबारा प्रोड्यूस ना करें, डेवलप दी एबिलिटी टू लेट गो। दूसरा, वर्क ऑन योर ब्रेथ, सिंपली टेक डीप ब्रेथ। अगला मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा हो सकता है या प्राणायाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।